पुराने जमाने का 1 रुपया आज के 100 रुपए के बराबर था, ठीक वैसे ही मेरे 10वीं 12वीं के 35-40% नंबर आज के 95% माने जाए। पति बोला, अगर मोहब्बत अंधी है तो शादी क्या है? पत्नी बोली, शादी आँख का ऑपरेशन है जो सबकी आँखें खोल देती है। घर में सामान रखने की बहुत सी जगह होती है, लेकिन मेरे सर पे रखते मम्मियों की फेवरेट जगह होती है। पहला, संडे को पति अगर देर तक सोया रहे तो बीवी अब उठ भी जाओ, तुम्हारे जैसा भी कोई है क्या इस दुनिया में? छुट्टी है तो इसका मतलब यह नहीं कि सोते ही रहोगे। दूसरा, संडे को पति अगर जल्दी उठ जाए तो बीवी पिछले जन्म में मुर्गे थे क्या? एक दिन तो चैन से सोने को मिलता है, उसमें भी ठीक 5 बजे उठ के कुकड़ुक कु करने लगते हो। इतना जल्दी उठ के क्या पहाड़ तोड़ने जाना है क्या? तीसरा, संडे को पति अगर घर पे ही रहे तो बीवी कुछ काम भी कर लिया करो, हफ्ते भर समय देखते हैं तुम्हारे संडे की, उसे भी तुम केवल नहाने धोने में ही लगा देते हो। चौथा, संडे को पति अगर घर से देर तक बाहर रहे तो बीवी कहते तुम आज पूरा दिन आज संडे है, कभी मुँह से भगवान का नाम भी लिया करो। पांचवा, संडे को पति अगर पूजा करे तो बीवी यह घंटी बजाते रहने से कुछ नहीं होने वाला, अगर ऐसा होता तो इस दुनिया के रईसों में टाटा अंबानी या बिल गेट्स का नाम नहीं होता बल्कि किसी पुजारी का नाम होता। छठा, अगर रतन टाटा या बिल गेट्स जैसा अमीर बनने के लिए पति दिन रात मेहनत करे बाहर रहे तो बीवी हर वक्त काम काम काम, तुम्हें अपने ऑफिस के ही साथ सात फेरे लेने चाहिए थे, हम क्या यहाँ पे बंधुआ मजदूर है जो सारा दिन काम करे और शाम को तुम्हारे आने का इंतजार करे। सातवा, पति अगर पत्नी को घुमाने के लिए ले जाए तो बीवी मेरे मम्मी के मौसी का लड़का तो अपनी बीवी के साथ हर महीने घूमने जाते हैं और वह भी दार्जिलिंग कनाडा जैसी जगह पे तुम्हारी तरह तीर्थ यात्रा नहाने नहीं चाहते। आठवा, पति अगर अपनी पत्नी को ऐसी तैसी करा के नैनीताल शिमला माउंट अबू जैसी जगह पे घुमाने ले जाए तो बीवी अपना घर ही सबसे अच्छा है, बेकार ही पैसे लुटाते फिरते हो तुम, इधर उधर बंजारों की तरह घूमते फिरो, क्या रखा है घूमने में? इतने पैसे से अगर घर पे ही रहे तो मेरे लिए पूरे 3 साल के लिए कपड़े खरीद सकते थे तुम। बॉस बोला, कजोधर 10 साल से तुम मेरे लिए कॉफी ला रहे हो बिना एक बूंद तक भी गिराए, आप इन सीढ़ियों पे कैसे बैलेंस करते हो? गजोधर, सर सीढ़िया पे चढ़ने से पहले मैं एक बड़ा घूंट लेता हूँ, जैसे ही मैं ऊपर आ जाता हूँ मैं उसे वापस कप में डाल देता हूँ। बॉस बेहोश। एक सच बात, जिनके पास माता पिता होते हैं वो काफी किस्मत वाले होते हैं, यह बात हम उनसे समझ सकते हैं जिनके पास वो नहीं है।